टीआरपी घोटाले में दो और चैनल शामिल, रिपब्लिक के एग्जीक्यूटिव एडिटर से की गई 9 घंटे तक पूछताछ। जिले में कोरोना मरीजों की संख्या की रफ्तार थोड़ी थमी, लेकिन कोरोना से अब तक हुई 3000 मौतें, 24 घंटे में 429 नए मरीज। एनआईटी का लिया गया बड़ा निर्णय, जनवरी में ड्रॉ निकालकर चुने जाएंगे नए लाभार्थी, 3000 से अधिक आवंटन रद्द, गरीबों के हाथ से निकले आशियाने। 5 शहरों से नागपुर रिजर्व बैंक में पहुंचे 100 के नकली नोट, रिजर्व बैंक की शिकायत पर मामला हुआ दर्ज, नोटों की संख्या 124। इतवारी से गुजरेगी किसान रैल, 28 अक्टूबर से रोजाना चलेगी, क्षेत्र के किसानों को मिलेगा लाभ। 100 करोड़ खर्च कर सरकारी अस्पतालों में बढ़ेगी सुविधाएं, एनआईटी की बोर्ड मीटिंग में प्रस्ताव पर बनी सहमति, दिसंबर में कोरोना के बढ़ने की आशंका को देखते हुए की जा रही है तैयारी। महानगर पालिका के चुनाव की तैयारी में लगी पांटियां, नागपुर से लेकर मुंबई तक शुरू हो चुकी है हलचल, मनपा चुनाव के लिए एकले चलो की राह पर राजनीतिक दल। हाईकोर्ट पहुंचा सीताबर्डी बाजार अतिक्रमण का मामला, बाजार के 150 मीटर क्षेत्र में फेरी वालों का व्यवसाय रहेगा अवैध, राज्य मनपा और पुलिस को नोटिस जारी। मोबाइल व दुपहिया चोरी के 3 आरोपी गिरफ्तार, आरोपियों से 1,16,000 रुपए से अधिक का माल हुआ जब्त, कलमना पुलिस ने की कार्रवाई। मोबाइल चोरी नेटवर्क के तार झारखंड तक जुड़े, अंतर्राज्यीय गिरोह के 4 सदस्यों को बेलतरोड़ी पुलिस ने पकड़ा, रहने खाने का इंतजाम करता था सरगना, गैंग में 12 साल के बच्चे भी हैं शामिल।